नहीं कोई सनी लियोनी नहीं है यहाँ पे, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर, नहीं कोई सनी लियोनी नहीं है। मैंने आपको मना कराया कितनी बार, क्या कह रहे हो, क्या नहीं जी कोई सनी लियोनी नहीं है। फर्ज कीजिए कि आप एक सुबह उठते हैं और आपके मोबाइल पर एक के बाद एक कॉल्स आना शुरू हो जाती है, और ये सारी कॉल्स आपके लिए नहीं है, ये सारी कॉल्स हैं सनी लियोनी के लिए। आप सोच रहे होंगे ना ऐसा कैसे हो सकता है, पर ऐसा हुआ है, और वो भी दिल्ली में रहने वाले पुनीत के साथ। और पुनीत हमारे साथ है। पुनीत अभी तो आप सेलिब्रिटी बन गए। हाँ जी बिल्कुल ऐसा लग रहा है। अच्छा तो मतलब अचानक से ये कैसे, कब आपको लगा कि आप सेलिब्रिटी बन गए, क्योंकि फोन कॉल्स आने लग गए? नहीं बिल्कुल 26 तारीख को इन्होंने, जब से मूवी रिलीज हुई है अर्जुन पटियाला, तो तब से मुझे कॉल आने चालू हुए। सबसे फर्स्ट पहला कॉल आया, 2, 3, 4, 5, 10 कॉल तक मुझे ऐसा लगा कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है या मेरा कोई दोस्त है। हेलो हेलो हाँ जी कौन? हाँ जी मैं राकेश बोल रहा हूँ हरियाणा से। बोलिए। हाँ जी सन्नी से बात हो सकती है? नहीं सर सन्नी जी से तो बात नहीं हो पाएगी। कहाँ से लिया आपने नंबर ये? ये तो जी मूवी में देखा है मैंने ये नंबर जी, सन्नी लियोनी ने बताया ये नंबर उन्हीं का होना चाहिए। नहीं सर उनका नहीं है। बात करा रहे चुपचाप? अरे सर नहीं जल्दी करा सर, माफी मांगना चाहूंगा मैं आपसे, पर मैं बात नहीं करवा सकता आपकी। सबसे वियर्ड कॉल कौन सी आई आपकी? सबसे वियर्ड कॉल मेरे पास एक बार न्यूजीलैंड से कॉल आ रहा था बार बार, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था उठाऊं नहीं उठाऊं, बाहर का ISD कॉल है। मैंने उसका कॉल काटा, उनने व्हाट्सएप पे हाई लिखा मुझे, और मैं डर गया। मैंने कहा यार पता नहीं क्यों कर रहा है। उसके बाद उसने वीडियो कॉल के लिए मुझे इतना परेशान करा, एक बार वीडियो कॉल कर लो, एक बार वीडियो कॉल कर लो, हद से ज़्यादा। फोटोज भी मांग रहे हैं? फोटोज भी मांग रहे हैं और अपनी फोटोज भेज भी रहे हैं। फोटोज भेज के बोलते हैं कि एक बार मुझे हीरो बना दो, कुछ ना कुछ आप ऐसा कर दो, एक बार सनी से मिलवा दो, मतलब अपनी फोटो भेज के वो दिखाते हैं कि हम इतने स्मार्ट हैं, आज सनी अब आप मिलो मेरे से। एक दिन में अप्रोक्सीमेटली कितने कॉल्स आते हैं? एक दिन में मेरे पास 100 कॉल आराम से आ जाती हैं जो मैं अटेंड करता हूँ। अच्छा। उसके बाद मैंने डेबिट भी लगाए हुए हैं, आपका मिस कॉल भी बहुत होती है, मैसेजेस भी बहुत आते हैं, व्हाट्सएप पे भी परेशान कर रहे हैं लोग, वो सब अलग है। कॉल आना शुरू हो गई, उसके बाद से क्या क्या जीवन में बदल गया? नहीं कुछ नहीं बदला है, बस ये है कि मैं लंच नहीं कर रहा टाइम पे। अच्छा। मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा टाइम पे, सोने का रूटीन मेरा नहीं है, थोड़ा सा मैं जिम जाना मैंने चालू करा था, एक हफ्ता हुआ था। ये नंबर जो है ये अगर सनी लियोनी आपसे, जैसे आप बता रहे थे, अगर सनी लियोनी बोले ठीक है यार परेशान हो गए ना लो मैं ये नंबर खरीद लेती हूँ तुमसे, बेच देंगे? नहीं नंबर नहीं बेचूंगा मैं किसी भी कीमत पे, नंबर नहीं बेचना मुझे। ऑफिस में तो लोग मुझे सब, जहाँ से निकलता हूँ ऑफिस में क्या, इवन गली में भी सभी लोग सनी लियोनी सनी लियोनी, दिल्ली की सनी लियोनी, मेरे को एक ऐसा टैग लाइन दे दिया है सब लोग बोलते हैं, और गाने भी गाते हैं बेबी डॉल सोने की, ये वो चिढ़ाने के लिए, तो वो पूरी तरह मेरे को मतलब अब चिढ़ा रहे हैं। आपने मूवी देखी, ये सारा नंबर जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कॉल्स आना शुरू हो गई, आपने अपनी तरफ से लीगल एक्शंस भी लिए हैं, क्या लीगल एक्शन? सबसे पहले मैंने लिखित कंप्लेंट, जो कहते हैं लिखित शिकायत, दिल्ली पुलिस में दी है, तो उन्होंने मेरे को पहले तो आश्वासन दिया था कि इसको हम जल्दी से जल्दी आपका रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मैं 2 दिन बाद गया उनके पास, जब मेरे वकील ने बोला, योगेश जी मेरे वकील हैं, तो मैं जब दोबारा गया तो उन्होंने FIR करने से मना कर दिया कि ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, तो हम कोई FIR नहीं करेंगे इसके अंदर, आपको कोर्ट का ही दरवाज़ा खटखटाना है, वहीं से मदद ले रही है। तो अब मेरे वकील ने लीगल नोटिस भेज दिया है, उसमें टाइम दिया है हमने 10 दिन का, 10 दिन में मेरे पास अगर वापस वो लोग कांटेक्ट करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग केस इसको फाइल करेंगे आगे। पुनीत एक चीज़ बताएं कि अब जब आप रात में सोते हैं, पहले तो आपको ऑफिस डेली रूटीन और जो हम दिन भर काम करते हैं उसके सपने आते हैं, ऐसा बोला जाता है कि हम जो दिन भर काम करते हैं वही सपने में आता है, अभी क्या सपना आता है? मैम अभी तो सपने ही नहीं आते, मैं सोता ही नहीं हूँ ज्यादा। अच्छा नींद ही खत्म हो गई है, 3-4 बजे तक तो फोन बजते रहते हैं। किसी को सनी लियोनी से कांटेक्ट करना है तो वो डायरेक्ट पुनीत को कॉल कर सकता है, और पुनीत का नंबर पुनीत खुद बता देंगे, ठीक है पुनीत? हाँ जी। पुनीत ने अपना नंबर दे दिया है, तो अगर आप इस नंबर पे कॉल करेंगे तो पुनीत कॉल उठाएंगे, और पुनीत क्या कहेंगे? मैं कहूँगा मैडम से बात करने से पहले आपको मुझे कन्विंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो पुनीत को कन्विंस कीजिए, और शायद अगर उनकी बात सनी लियोनी से हो जाएगी तो वो ये जरूर बता देंगे कि उनके ढेरों चाहने वाले उनको कॉल कर रहे हैं।